हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने मैं 24 इंच का पैनल लेकर आया हूं। आज मैं इसका ऑलरेडी खोल के रख चुका हूं। ये वाइट ब्लैक स्क्रीन जो आता है, कोई वोल्टेज नहीं बनता है, तो उसके लिए एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये पैनल बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादातर फॉल्ट मैं बता देता हूँ इस कैसे ठीक होता है। अगर कोई वोल्टेज VGL LVDD कोई वोल्टेज अगर नहीं बनता है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि VGH को वोल्टेज कट कर दीजिएगा यहाँ से, जो कि मैं देख रहे हैं आप ट्रैक में कटा। उसके बाद में ट्रैक कटने के बाद तो VGL को ट्रैक कट देना यहाँ से, और VGL और VGH कटने के बाद अगर वोल्टेज जनरेट हो गई तो ठीक, नहीं तो दोनों कटने के बाद जब वोल्टेज ओके हो गई तो वोल्टेज यहाँ पर चेक कीजिएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर वोल्टेज ठीक है तो ठीक है, और उसके बाद अगर वोल्टेज नहीं बना तो VGH आप VGL में शॉर्ट चेक करना। उस शॉर्ट चेक करने के बाद अगर वोल्टेज दोनों शॉर्ट है तो समझ जाइए VGL में शॉर्ट है, तब जाके स्पार्किंग 3 वोल्ट का बैटरी से स्पार्किंग कराना पड़ेगा। ये 3 वोल्ट का बैटरी है, इस बैटरी से स्पार्किंग कराना पड़ेगा, तब जाके पैनल ओके होगा। तो मैंने इस पैनल में क्या किया, यहाँ पर जाकर मैंने इस प्रिंट को मैंने कट कर दिया, यहाँ को जाकर इस प्रिंट को उधर साइड से मैं कट कर दिया। उसके बाद मैं फिर इधर आकर ये फिर कट कर दिया, उसके बाद ये कट कर दिया। ये सब वोल्टेज है 6.6 वोल्टेज है, ये वोल्टेज को कट करना है। उस कट करने के बाद ये वोल्टेज ओके हो जाएगा, आपका पैनल हो जाएगा रेडी, जैसे मैं आपको रेडी कट कर दिखा रहा हूँ। ये स्टैंड बाई है, देखिए दोस्तों, ये माइक्रोमैक्स का लोगो आया, ये हो गई पैनल रेडी। तो यही ट्रिक है, अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिक है। सबसे पहले VGL को ट्रैक कटना, तो VGH को ट्रैक कटना। उस ट्रैक कटने के बाद वोल्टेज आपको जनरेट हो जाएगा, तब उसके बाद फॉलो करना है। ये शॉर्ट हो जाता है तो स्टैंड बाई मोड में चला जाता है, DC to DC IC वोल्टेज नहीं बनाता है।